जय श्रीमान। श्रीमान परम विसर्जन की अनुमति चाहता हूँ। जय श्रीमान। देश के जवानों की शहादत और उनकी कुर्बानी का हम कर्ज कभी नहीं उतार सकते। अपने देश की रक्षा के लिए आए दिन हम अपने जवानों की कुर्बानी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कुछ घंटों में हम दुख जता के भूल जाते हैं। पर ऐसा हम ना करें और उनकी कुर्बानी को याद करते रहे, इसके लिए विधायक प्रताप सरनाइक ने शहीद मेजर कौस्तुभ राणे की याद में 1,33,00,000 खर्च करके मीरा भायंदर कनकिया गार्डन में अमर ज्योत जलाया है। इस मौके पर मंजीत सिंह बिट्टा ने कहा कि अमर ज्योत 365 दिन 24 घंटे शहादत को याद दिलाएंगी कि हम सुरक्षित तो हैं, पर किसकी वजह से हैं। वही लोकार्पण में विधायक सहित वीर के माता पिता भी मौजूद रहे और आयुक्त का आभार माना। इस मौके पर मौजूद लोगों की आंखें नम नजर आई। अंदर था लगी दस्तों की सिर्फ बहुत अंदर है, अंदर अब पुराने जी शहीद हुए थे उस वक्त भी आए थे आप और आज जो जलाएंगे इसके लिए भी आए, क्या कहेंगे आप? ये सब आपकी नजरों के सामने हो रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी होगा, पर प्रताप जी का मुझे जब 5-6 महीने पहले फोन आया मैं बड़ा खुद हैरान हुआ कि प्रताप जी ने उस चीज़ को याद रखा, क्योंकि खिलाफ प्रदर्शन हो, चाहे मेरे ऊपर बम चला हो, चाहे मेरी ज़िंदगी खतरे में हो, मेरे से कंधा मिला के चले, इनके साथ वो जज्बा राष्ट्र के लिए, शहीदों के लिए जो जज्बा था वो उन्होंने करके दिखा दिया। मुझे उम्मीद थी कि प्रताप जी करेंगे ज़रूर, पर मैं खुश हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया। और गीता बहन जी मेरे साथ बैठी हैं, हमने सब ने मिल के, कमिश्नर साहब बैठे हैं, ये उन्होंने किया, 1 करोड़ रुपए की राशि का उन्होंने इंतजाम किया, ये मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार। सरनाइक साहब, पिछले वर्ष आयुक्त भी मौजूद थे, आप भी मौजूद थे, उस वक्त आपने वादा किया था कि यहाँ पे इस तरीके का कार्यक्रम करके जन्मदिन पर इस तरीके का तोहफा देंगे। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि अपने वादे पे नेता कभी खरे उतरते। नहीं, एक मिनट मैं बताऊँ। पहली बात तो नेता आपके लिए होंगे, समाज के लिए होंगे, मेरे लिए नेता नहीं है, ये राष्ट्रभक्त है, ये मैं आपको बता दूं। अब लोगों की, देश की सेवा करनी, चुनाव तो लड़ना पड़ेगा, मैं नहीं लड़ सकता। अगर ये भी कहेंगे मैं भी बिट्टे की तरह चुनाव नहीं लड़ूंगा तो लोगों की, शहीदों की कौन करेगा? शहीदों का अगर मान सम्मान हुआ है और ये इतिहास बता दिया कि हम शहीदों को याद रखेंगे, ये वादा कि दोबारा मोदी जी के आते हुए कोई शहादत नहीं होगी, अगर कोई ऐसा होता है तो शहीदों को याद किया जाएगा। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि महानगर पालिका और राज्य शासन के माध्यम से और खासकर हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब, उन्होंने 1 करोड़ रुपए की राशि दी और यहाँ पे ये जो सिर्फ शहीद स्मारक नहीं है बल्कि अमर जो राज्य शासन के माध्यम से और खासकर हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब, उन्होंने 1 करोड़ रुपये की राशि दी और यहाँ पे ये जो सिर्फ शहीद स्मारक नहीं है बल्कि अमर ज्योत है, जो 365 दिन चलती रहेगी, 24 घंटा जलती रहेगी, चाहे बरसात हो चाहे धूप हो, वो जवानों की याद, कौस्तुभ राणे की याद सबको आएगी। और हमारे खासकर कौस्तुभ के माँ पिताजी ज्योति जी राणे और खासकर प्रकाश राणे जी की इच्छा थी कि कुछ ना कुछ उसके नाम का यहाँ पे और एक वास्तु होनी चाहिए, वो वास्तु मैंने निर्माण किया और खासकर मैंने उनको प्रॉमिस किया कि जो शिवसेना प्रमुख आदरणीय बालासाहेब ठाकरे जी के नाम का हम एक भवन बना रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे IAS IPS IRS के बच्चों को और खासकर सैनिकी प्रशिक्षण केंद्र में जो जाना चाहते हैं उनके लिए एक प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जाएगा और वो भी उनकी ख्वाहिश है मैं पूरी करूँगा। और हमारे आयुक्त है दिलीप जी ढोले, उनका भी आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने सपोर्ट दिया, इसलिए ये हमने जो यहाँ पे बनाई है। बिट्टा जी का तो मैं कार्यकर्ता के रूप में पिछले 92-93 से लेके आज तक हूँ, आज उनकी बदौलत मैं कार्यकर्ता रूप में उभर आया हूँ। 3 बार मैं कॉरपोरेटर बना, अभी 3 बार
एमएलए बना हूँ, तो ये सब जो नेता रहते हैं और खासकर अपने गुरुजी रहते हैं, उनके माध्यम से जो शिक्षा मिलती रहती है जवानी में, उसके माध्यम से इंसान आगे आगे बढ़ते रहते हैं। तो जो भी चीज़ें मैं आज बना रहा हूँ, उनका आदर्श लेके बना रहा हूँ, जिनको मैं पहले से बचपन से जिंदा शहीद के रूप में लोग लूँगा। और हमारे आयुक्त है दिलीप जी ढोले, उनका भी आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने सपोर्ट दिया, इसलिए ये हमने जो यहाँ पर बनाई है। बिट्टा जी का तो मैं कार्यकर्ता के रूप में पिछले 92-93 से लेके आज तक हूँ, वो आज उनकी बदौलत मैं कार्यकर्ता रूप में उभर आया हूँ। 3 बार मैं कॉरपोरेटर बना, अभी 3 बार एमएलए बना हूँ। तो ये सब जो नेता रहते हैं और खासकर अपने गुरुजी रहते हैं, उनके माध्यम से जो शिक्षा मिलती रहती है जवानी में, उसके माध्यम से इंसान आगे आगे बढ़ते रहते हैं। तो जो भी चीज़ें मैं आज बना रहा हूँ, उनका आदर्श लेके बना रहा हूँ, जिनको मैं पहले से बचपन से जिंदा शहीद के रूप में लोग उनको जानते थे, वो आदरणीय मनिंदर जीत सिंह जी बिट्टा, यहाँ के आज प्रमुख नेता के रूप में, प्रमुख वक्ता के रूप में यहाँ पे आए और उनका भाषण आपने सुना। आज देशभक्ति हर एक इंसान के मन में मीरा भाईंदर के आएगी, जो उन्होंने बातें यहाँ पे की, मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। पिछले वर्ष जो कार्यक्रम हुआ था, उस वक्त शहीद कौस्तुभ राणे के माता पिता जी ने मांग की थी कि मीरा भाईंदर से भी बच्चे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस वगैरह बने, इसके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए, क्या किया नहीं? वही मैंने कहा ना, हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे कला भवन में हम आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, यूपीएससी, एमपीएससी के विद्यार्थियों का एक प्रशिक्षण वर्ग करेंगे, और साथ ही में जो लोग सैनिक दल में जाना चाहते हैं, सैन्य में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन करेंगे। और दिलीप जी ढोले जो कमिश्नर है, उन्होंने भी वो बात को मान्यता दी है।